सबसे ज़्यादा जो वाटर डैमेज था वो इस जगह के ऊपर था। अभी इसको करना क्या है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे पास जो फ़ोन है वो है ओप्पो A37। तो फ्रेंड, इस फ़ोन में मसला ये है कि ये फ़ोन वाटर डैमेज है और किसी भी तरीके से जो है वो ऑन नहीं हो रहा। चाहे मैं इसका पावर बटन दबा रहा हूँ तो फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा, और चार्जिंग पे लगाने पर भी ये कोई रिस्पॉन्स वगैरह शो नहीं कर रहा। तो आज की इस वीडियो में हम इस फ़ोन को रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी सिम जैकेट निकाल लेंगे। सिम जैकेट निकालने के बाद हम इसके बैक कवर को ओपन करेंगे। कस्टमर की तरफ से ये कहा गया है कि ये फ़ोन पानी में गिरा है और बंद हो गया है, उसके बाद ऑन नहीं हुआ। तो मैंने बैक कवर उतार लिया। अब मैं इसके जो सारे पेच हैं उनको खोल लेता हूँ। तो इसके नीचे मैं ये रख देता हूँ ताकि इसकी जो स्क्रीन है वो टूटी हुई है, ज़्यादा डैमेज ना हो। सबसे पहले मैं बैटरी को उतार लूँगा, उसके बाद मैं इसके सारे स्क्रू खोल लूँगा। देखने से भी इसमें जो है वो वाटर डैमेज के निशान जो है वो नज़र आ रहे हैं। के बाद रिंगर को निकालने के बाद मैं ये एंटीने वाली वायर को निकाल लूँगा। सारे स्क्रूज को रिमूव करने के बाद मैं इसका जो ये है इसको उठा लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ चेक करूँगा। तो वाटर डैमेज के निशान मुझे इस जगह के ऊपर और इस जगह के ऊपर और थोड़े से बैटरी कनेक्टर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो इनको मैं नोट करूँगा कि बाद में मुझे रिपेयर करने में आसानी होगी कि पानी कहाँ कहाँ तक जो है वो आया है। तो इसको मैंने नोट कर लिया। उसके बाद मैं इसका जो डिस्प्ले का कनेक्टर है इसको उतार के, इसका टच का कनेक्टर उतार के, इसका कैमरे का कनेक्टर उतार के बोर्ड को जो है वो बाहर निकालूँगा। बहुत ही एहतियात के साथ निकालूँगा क्योंकि नीचे जो है ये वाली स्ट्रिप भी लगी होती है। अगर बेएहतियाती के साथ बोर्ड को निकाला जाए तो इस स्ट्रिप के डैमेज होने का चांस होता है। तो मैं बहुत ही एहतियात से इसको एक बार ऊपर उठा लूँगा। ऊपर उठाने के बाद ट्वीज़र की मदद से आराम से इस स्ट्रिप को जो है वो निकाल दूँगा। ओके, तो मदरबोर्ड को मैंने अलहदा कर लिया है। तो नीचे वाली साइड पर मुझे काफ़ी ज़्यादा इसकी जो हालत है वो ख़राब लग रही है, आप भी वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं कैमरों को निकाल लूँगा। निकाल लिया। उसके बाद मैं इस रबड़ को भी निकाल लूँगा। फ़िलहाल मुझे एक तो इस जगह के ऊपर ये जो आपको कॉइल दिख रही है आईसी के साथ जो कॉइल है, यहाँ पर मुझे वाटर डैमेज के जो स्पॉट हैं वो नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद इस जगह के ऊपर नज़र आ रहे हैं, और इस जैक के ऊपर भी, और भी काफ़ी अंदर तक, मतलब काफ़ी वाटर डैमेज के स्पॉट हैं। तो मैं सबसे पहले एक बार इसको क्लीन कर लेता हूँ। मदर क्लीन करने के लिए सबसे पहले मैं इसके आईसी के जो कवर हैं इनको आराम से उतार लूँगा। इनको बहुत ही एहतियात के साथ उतारना है कि ऊपर ये जो हीट सिंक लगी हुई है ब्लैक कलर की, ये ख़राब ना हो। इसको मैंने उतार लिया तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर,
और ये यहाँ तक काफ़ी सारा जो है वो वाटर डैमेज की वजह से वाइट कलर का जो पार्टिकल है वो जमा हुए हुए हैं। तो इसके साथ ही मैं इस कवर को भी उतार लूँगा, बहुत ही एहतियात के साथ कवर उतारने हैं। तो मुझे ये हिस्सा ज़्यादा वाटर डैमेज लग रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आईसी या तो हीट अप हुई है या फिर ये पानी के निशान हैं इस जगह के ऊपर। तो उसके बाद मैं इसकी जो छोटी छोटी सील लगी हुई हैं इनको उतारूँगा। इनको उतारने के बाद मैं वाज़े तौर पर देख पाऊँगा और इसको जो है अच्छे से क्लीन कर पाऊँगा। बहुत ही एहतियात के साथ इन सील को मैं उतार रहा हूँ। ओके, तो सारी सील को उतार के मैं आपको इसको क्लीन करके फिर आपको दिखाता हूँ। ओके, तो फ्रेंड इसको मैं एक बार अच्छे से जो है वो क्लीन कर चुका हूँ और अभी जो है मैं इसको चेक करता हूँ इसकी बैटरी को। तो बैटरी को देखते हैं जी, बैटरी के वोल्टेज सबसे पहले हम चेक कर लेंगे मल्टीमीटर की मदद से। तो मल्टीमीटर को वोल्टेज की रेंज में मैं सेट कर लेता हूँ और उसके बाद बैटरी के वोल्टेज को मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो बैटरी में गाइस 3.6 वोल्ट जो है वो बता रहा है, 3.6 वोल्ट बैटरी में करंट है क्योंकि मैंने इसको मशीन से चार्ज किया है। तो अभी हम इस सेट में लगा कर इसको देखेंगे कि ये सेट ऑन होता है या नहीं होता। डिस्प्ले का जैक जो है मैंने लगा दिया और नीचे वाला भी जैक लगा दिया चार्जिंग साइड का। और अभी मैं बैटरी को इसमें फिट करता हूँ और इसको जो है वो चेक करता हूँ। बैटरी को मैंने लगा दिया, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको दबा लूँगा क्योंकि पेच लगा हुआ। तो अभी हम इसको ऑन करके चेक करेंगे। नहीं, तो गाइस ये सेट अभी भी ऑन नहीं हो रहा, तो इसके लिए क्या करना होगा, दोबारा से मैं मदरबोर्ड को बाहर निकालूंगा। बैटरी को बाहर निकाल लूंगा, डिस्प्ले कनेक्टर हटा के और इसको जो है बोर्ड को एहतियात के साथ बाहर निकाल लेता हूँ। चार्जिंग वाली स्ट्रिप को, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो वाटर डैमेज था वो इस जगह के ऊपर था। अभी इसको करना क्या है, अभी सबसे पहले तो इसको यहाँ पर रख देता हूँ मैं, उसके बाद थोड़ा सा मैं पेस्ट ले रहा हूँ। इस पेस्ट को CPU और ये जो मेमोरी IC है इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ इस पेस्ट को। इसके ऊपर लगाने के बाद अभी मैं हीट गन चालू करता हूँ। और आपने हीट गन का जो टेम्परेचर है वो इतना होना चाहिए
कि आपका हाथ जो है वो इतने वक्फे से उसको बर्दाश्त कर सके, इससे ज़्यादा टम्परेचर आपने नहीं रखना है हीट गन का। तो इसको चारों साइड से हीट गन को घुमाते हुए हल्की हल्की आपने इसको हीट देनी है, ज़्यादा हीट नहीं देनी, इससे फिर सीपीयू में भी प्रॉब्लम आ सकती है। हल्की हल्की आपने हीट देनी है इसको। हीट गन को हिलाते रहना है, एक जगह पर नहीं रखना आपने। बस इतना काफ़ी है। उसके बाद आपने इसको ठंडा होने का इंतज़ार करना है। ओके, तो ये ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको क्लीन करने लगा हूँ। क्लीन करने के लिए मैं MBC का यूज़ करूँगा। अच्छे तरीके से इसको MBC से क्लीन कर लेना है, ताकि जो पेस्ट मैंने इस पर लगाया था वो इसमें बाकी ना रहे। इसे MBC से वॉश करने के बाद मैं दोबारा से इसको हॉट एयर की मदद से जो है वो खुश करूँगा। इसमें मैं हीट यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ जो है वो एयर का प्रेशर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ खुश करने के लिए। ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो अभी मैं मज़ीद कुछ देर के लिए इसको रख देता हूँ, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। ओके, तो गाइज़ ये ठंडा हो चुका है। अभी मैं इसके जो कवर हैं उनको साफ़ कर लेता हूँ। साफ़ करने के बाद मैं कवर को लगा लेता हूँ यहाँ पर। सॉरी, ये इस साइड का कवर था। बहुत ही एहतियात के साथ मैं इस कवर को जो है वो वापस लगा देता हूँ। ये कवर लग चुका है, और जो इसके दूसरे कवर थे उनको भी मैं अंदर से क्लीन कर लेता हूँ। जहाँ जहाँ पर जो है वाटर डैमेज के निशान थे उनको अच्छे से क्लीन करके वापस से जो है वो इसके ऊपर लगा देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अभी ये सेट ऑन होगा, और इसको ऑन होना भी चाहिए, क्योंकि इसके जो जो मसले थे वो हमने सब हल कर दिए हैं। अभी मैं इसको इसमें लगा कर चेक करता हूँ। सबसे पहले मैं इसे लगाता हूँ। और गाइस, जहाँ जहाँ पर भी मुझे वाटर डैमेज के निशान नज़र आ रहे थे, मैंने सारी जगहों को क्लीन कर लिया है। फ्रंट कैमरा मैंने अभी इसका नहीं लगाया। पैनल की स्ट्रिप लगा देता हूँ, और इसको भी लगा देता हूँ। बैटरी को लगा के इसको ऑन करता हूँ। आई होप ये ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा दबा लूँगा। ओके, तो गाइस हमारा सेलफोन जो है वो ऑन हो चुका है, और अभी ये पूरा ऑन हो जाए तो मैं इसको मज़ीद भी चेक करता हूँ।
थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा है ये। ओके, तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि हमारा सेल फोन जो है वो ऑन हो चुका है, बैटरी लो बता रहा है, तो टच वगैरह हर चीज़ ओके है, काम कर रही है, हमारा जो सेल फोन है वो कामयाबी के साथ ऑन हो चुका है। तो गाइज़ आपने देखा, इस तरह से आप जो वाटर डैमेज सेट होते हैं उनको रिपेयर कर सकते हैं। मैं इसकी चार्जिंग भी चेक कर लेता हूँ, तो गाइज़ ये चार्जिंग भी सही तरीके से कर रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो अभी मैं इसको वापस फिटिंग करके आपसे मिलता हूँ। ओके, तो फिटिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है गाइस, और बस इसका बैक कवर लगाना रह गया है, वो भी मैं लगा देता हूँ। और इसमें सिम भी डाल देता हूँ ताकि चेक कर लूँ, को मैं ऑन करता हूँ। बैटरी इसकी लो थी, 2% बैटरी थी, तो मैं इसको चार्जिंग पे लगा रहा हूँ। ओके, तो गाइज ये ऑन हो चुका है और चार्जिंग भी कर रहा है, इसके अलावा सिग्नल अभी तक नहीं आया, वो भी आ जाएंगे। तो सिग्नल भी आ चुके हैं, और उसके बाद मैं इसका रिंगर चेक कर लेता हूँ कि रिंगर सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हैं कि रिंगर जो है वो काम कर रहा है। तो सारी चीज़ें ओके हैं। तो एंड में मैं आपको एक और इम्पोर्टेड बात बताता चलूं कि जो वाटर डैमेज सेट होते हैं उनमें अक्सर यही प्रॉब्लम होती है कि कहीं ना कहीं पर पानी जो है वो जमा हुआ होता है, वाइट कलर इख्तियार कर चुका होता है। तो आपने बस उस जगह को ढूँढ कर उस जगह को साफ़ करना है, क्लीन करना है, वॉश करना है, उसके बाद आपका सेट ओके हो जाता है। हाँ, कुछ केस में ऐसा हो जाता है कि कोई कंपोनेंट वगैरह जल जाता है तो उसको चेंज करना पड़ता है। तो इस फ़ोन में ऐसा ही था कि सीपीयू और उसके साथ जो मेमोरी आईसी थी, रैम थी, उसी के आसपास जो कंपोनेंट थे उनमें बहुत ज़्यादा वाटर डैमेज हुआ हुआ था नीचे। तो उनको मैंने हीट किया थोड़ा सा और पेस्ट लगाया, क्लीन किया, तो वो ओके हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। गुड बाय।